अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सफियान मोटरिंग। दिस इज मोहम्मद फजल शाह खटक फ्रॉम प्रीमियम इंपोर्ट्स। अच्छा फैसल भाई, क्या हाल है आप? ऑल सेट, शुक्रिया। अच्छा फैसल भाई, आज कौन सी गाड़ी की हमें एक्सपीरियंस ड्राइविंग रिव्यू देंगे? टोयोटा रेज है, 2020 मॉडल है, 2023 इंपोर्ट है। सही है, 100% वेरीफाइबल और क्लेम्ड ऑक्शन की गाड़ी है। ठीक है, और फुल बॉडी किटेड है, टू टोन में है। सही है, इसमें काफ़ी सारी वेरिएंट्स आ रहे हैं रेज में। ठीक है, इसमें सिंपल एक्स वेरिएंट है, फिर जी वेरिएंट है, फिर जेड वेरिएंट है। जेड में फिर किटेड होती है, नॉन किटेड होती है, सिंगल टोन में होती है, टू टोन में होती है। ठीक है, टीआरडी किटेड होती है, फिर मॉडलिस्टा किटेड होती है। सही है, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इसमें। अच्छा, और तो आज हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं ये कौन सी है? ये मॉडलिस्टा किटेड है, टू टोन है। ठीक है, 4 ग्रेड की 100% वेरीफाइबल। और मॉडल कौन सा है ये? 2020। अच्छा 2020 मॉडल है। अच्छा फैसल भाई, ये कौन से लीग में आती है? क्रॉसओवर, एसयूवी या फिर? ये एसयूवी में आ रही है। अच्छा एसयूवी व्हीकल, क्योंकि ये 5 ईयर्स पुरानी क्लियर भी हो सकती है। सही है, यानी 2019 मॉडल हम मंगवा सकते हैं। जी 2019 मॉडल में मंगवा सकते हैं, लेकिन क्लियरेंस में थोड़ा सा इशू होता है, वो ठीक है ऊपर नीचे करके क्लियर कर देते हैं। सही है। अच्छा फैसल भाई, इसमें इंजन कंपनी कौन सा? 1KR इंजन है, लेकिन टर्बो चार्ज्ड। अच्छा, जो पासो में आती है वही इंजन है? वही सेम इंजन है। पासो वेट्स में जो 1KR इंजन आ रहा है वही इंजन है, लेकिन टर्बो चार्ज्ड है। अच्छा, और इसमें एक लोग कहते हैं कि डुअल टर्बो भी है? नहीं, सिंगल टर्बो है। अच्छा सिंगल टर्बो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है इसकी। जी जी बिल्कुल। ड्राइव भी अच्छी है, 1000 सीसी कैटेगरी में बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, इसमें 1200 सीसी हाइब्रिड भी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर ड्यूटी ज्यादा है और गाड़ी उधर जापान में भी एक्सपेंसिव है। 1200 सीसी हाइब्रिड। सही है, ठीक है। और फैसल भी, इसका इंजन कितनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्स पावर का एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। सही है, लेकिन ये कि काफी पावरफुल है, काफी है। सही है, 1000 सीसी कैटेगरी में ये आप जिस गाड़ी के साथ भी दौड़ाएंगे ये दौड़ेगी। अच्छा, नहीं पावरफुल तो है। और जो इसका मेन क्वेश्चन है फैसल भाई, फ्यूल एवरेज ये कितना देती है? फ्यूल एवरेज ये लॉन्ग में आपको अगर लाइट फुट पे चलाएंगे 20 तक देगी। अच्छा, और हैवी फुट पे चलाएंगे लॉन्ग में तो ये 15-16 देगी। सही है, और लोकल में ये 15-16 देती है, हैवी फुट पे चलाते हैं 11-12 देगी। ठीक है, सही है। अच्छा फैसल भाई, अगर हम इस गाड़ी की ओवरऑल बॉडी की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि ये प्रॉपर एसयूवीज में आती है, एसयूवी है, तो 4x4 भी आ रही है। अच्छा ठीक है, 4 व्हील ड्राइव जो 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शन होती है उसमें ऑटोमेटिक होता है। अच्छा ऑटोमेटिक होता है, सही है। ऑल टाइम होती है? नहीं, ऑल टाइम नहीं होती। अच्छा ऑल टाइम नहीं। अच्छा फैसल भाई, इसकी अगर हम बाहर की जो बॉडी डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी लाइट्स हो गई हैं, कॉर्नरिंग लाइट हो गई है, फ्रंट की अगर हम बात करें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया, लेन असिस्ट हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया। ठीक है, सही है। और ऑप्शंस में इस पे हर एक चीज का हाथ तमाम है, हर एक ऑप्शन। एयरबैग्स, इसमें 8 एयरबैग्स हो गए। इंटीरियर की अगर हम बात करें और स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो एसआरएस एयरबैग, लेफ्ट साइड पे इंफोटेनमेंट और राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, पावर मोड इसका हो गया। सही है, ठीक है। और गेज क्लस्टर हमारे पास इसमें 6 इंच का टीएफटी स्क्रीन है। ठीक है, साथ में फिर स्पीडोमीटर के लिए भी स्क्रीन दिया हुआ है। ठीक है, सही है। अच्छी गाड़ी है, काफी अच्छी गाड़ी। क्लाइमेट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन सिंगल जोन है। ठीक है, डुअल हीटेड सीट्स इसमें आ जाती है, चार्जिंग पोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन इसमें सीवीटी है और मैनुअली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी पावरफुल लग रहा है, काफी पावरफुल। और स्क्रीन की अगर हम बात, अच्छा इसमें कुछ स्क्रीन्स आ रही हैं, बिल्कुल स्मार्ट स्क्रीन होती है ये, थोड़ी सी मुझे बड़ी 360 व्यू आ जाता है। सही है, और काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इसमें 360 व्यू नहीं है, स्क्रीन इसमें मेरे ख्याल में हर किसी के अपनी पसंद की स्क्रीन जैपनीज में लगाई होती है। साउंड सिस्टम इसमें अच्छा, काफी अच्छा साउंड सिस्टम है। ठीक है, और ये ट्रिम्स की बात करें तो इसमें ये ऑरेंज ट्रिम्स, सिल्वर विद ट्रिम्स आ रही हैं। जी जी, रेड ट्रिम्स इसमें होते हैं, किसी में ऑरेंज होते हैं। एग्जैक्टली, फैब्रिक सीट्स हैं और ये हनी को मैश इसके ऊपर बना हुआ। ठीक है, सही है। रेयर सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो काफी कंफर्टेबल है। सही है, और स्पीड बम्प्स नहीं है इसमें, और लेग स्पेस काफी सारी है। अच्छा ठीक है। रंग की पर अगर हम बात करें तो वो भी इट इज आल्सो साउंड अच्छी है, बुरी नहीं है। और इसके अगर हम आउटर साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो इसकी साइड प्रोफाइल पे हमारे पास एलॉय व्हील्स, एलॉय रिम्स इसमें 17 इंच के एलॉय रिम्स हैं। सही है, ठीक है। और नॉर्मल जो इसमें वेरिएंट होते हैं उसमें फिर 15-16 इंच के होते हैं। ठीक है, 15 इंच के होते हैं सिंपल, जिसमें 17 इंच के टू टोन है। उसमें गाड़ी काफी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल। अच्छा, जो 17 में थोड़ी सी बंदे को हार्ड लगती है, ठीक है, वीजल से फिर भी सॉफ्ट है। जी जी, डीजल तो बहुत ज्यादा हार्ड है उसकी, सस्पेंशन काफी ज्यादा स्लिप है। टोयोटा तो है ना? जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जी जी। और इसकी पावर भी काफी अच्छी है क्योंकि थोड़ी देर पहले भी मैंने ड्राइव की है, तो इस तरह फील देती है कि ये 1000 सीसी आपको फील नहीं, पावर इसकी बहुत अच्छी, काफी अच्छी है। अच्छा, और फैसल भाई अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें, इसकी प्राइस पे आ जाए तो प्राइस सिंपल वेरिएंट आप स्टार्ट लें 55 लाख रुपीस से हो एंड सो ऑन टिल तकरीबन 67 68 तक भी गाड़ियां जाती हैं इसमें, ठीक है। और हाइब्रिड मॉडल है ना, 19 मॉडल से 21 मॉडल तक की मैं बात करूं, 22 मॉडल उससे भी महंगी होगी। अच्छा, ये अल्लाह है, अजीब लोग हैं बिल्कुल, इनको कोई सेंस नहीं होता। अच्छा, और फैसल भाई इसमें तो फिर 1.2 हाइब्रिड तो ज्यादा महंगी है, ज्यादा महंगी है, ड्यूटी देखिए इस पे 12 लाख 80,000 ड्यूटी है। अच्छा, अगर हम हाइब्रिड की बात करें उसमें 26-27 लाख अभी और भी मेरे ख्याल में ज्यादा हो गई है, तो जी जी बहुत ऊपर जाएगी। 80 की कॉस्टिंग पहले कर रही थी, अभी अच्छा मेरे ख्याल में 90 तक कॉस्ट करी, ठीक है। और फैसल भाई इस पे कितनी ड्यूटी पेड होती है? ये 12 लाख 80,000। अच्छा, इसकी पहली कितनी ड्यूटी थी? इसकी 1000 सीसी में कोई चेंज ही नहीं आया। अच्छा, मतलब 1000 सीसी के प्राइसेस वहीं पे फ्लक्चुएट। अच्छा, इसमें इसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, ये पेरेंट जी जी वो रॉकी है, डायहात्सु रॉकी, एग्जैक्टली डायहात्सु रॉकी है जी। उसकी हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, हमारे तो एक ही चीज है बस, लोगों ने उसकी प्राइस थोड़ी कम है जापान में जी जी, इसकी ज्यादा है, इसकी हालांकि एक ही चीज है। एग्जैक्टली जी, सही सही। अच्छा, और तो उसमें कोई फर्क है कि नहीं, सिर्फ बैजेस का फर्क है? बैजिंग का फर्क। और ये तो मुझे ये भी लग रहा है कि डायहात्सु रॉकी ज्यादातर फुल ऑप्शन आ रही होती है। नहीं, इसमें सिंपल भी है। अच्छा, सिंपल। अच्छा फैसल भाई अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या डिटेल्स है, जनरल डिटेल्स? ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है, 4 ग्रेड की है, 23 इंपोर्ट है, सही है, ठीक है। अराउंड 90,000 ड्रिवन है, सही है। और ये आपको 62 लाख रुपीज की मिलेगी, ठीक है, रजिस्टर्ड भी है ना। अच्छा, अच्छी सीरीज का नंबर लगा हुआ है इसमें। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, और फैसल भाई इसकी अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें कितने एयरबैग्स आ रहे हैं? इसमें 8 एयरबैग्स आ रहे हैं। अच्छा, वो तो कर्टन में पिलर एयरबैग्स हो गए, ड्राइवर पैसेंजर हो गया रेयर, ठीक है, पिलर एयरबैग हो गए, सही है। और इसके अलावा ये आर्मरेस्ट के अंदर कोई इसकी फीचर्स? आर्मरेस्ट काफी कंफर्टेबल है, ड्राइव बहुत अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छी है जी जी। लोकल में थोड़ा सा बंदे को फील होता है। अच्छा फैसल भाई वहाँ पे एक क्वेश्चन काफी सारा आता है, इसका ये इंजन जो है ना, जिस तरह वो 1000 सीसी में एक मर्मरिंग टाइप होती है, जी जी बिल्कुल, तो ये इसमें है जी जी, थोड़ी सी होती है ये 1KR की, बस एक वो एक बीमारी सी आई है जी, ये कंपनी फॉल्ट आप कह दें। अच्छा, तो ये कैमरा जरा होल्ड करें, मैं आपको इसकी सही। अच्छा फैसल भाई इसके वहाँ पे कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या क्या है? इसमें ऑटो हेडलाइट्स है, प्री कोलिजन सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग असिस्ट है और आइडलिंग स्टॉप भी है, सही है, ठीक है। और ये इसमें जो क्रूज कंट्रोल है ये एडेप्टिव है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ठीक है, सही है, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे भी कुछ कार्बन फाइबर हनीकॉम्ब मैश थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, सही है। और फ्यूल एवरेज भी आपने बताया कि तकरीबन 20 तक एवरेज देती है, लॉन्ग में लाइट फुट पे चलाएंगे आपको 20 एवरेज देगी, और लोकल में आपको 15-16 देगी, सही है, ठीक है। नॉर्मल फुट। और इसमें तो 360 व्यू कैमरा तो नहीं है ना? 360 व्यू कैमरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि गाड़ी काफी अच्छी गाड़ी है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो और यहाँ पे ग्लास होल्डर्स आ जाती है, कप होल्डर्स हो गए, कंपार्टमेंट्स काफी सारे, बहुत ज्यादा है, अच्छी गाड़ी बनाई है। और 1000 सीसी अगर आप 6.5 मिलियन के बजट में देखें, सही है, तो काफी गाड़ियों के साथ। तो फैसल भाई अगर हम इसको कंपेयर करें पासो या फिर और गाड़ियों से, पासो से बहुत पावरफुल है। मेरे थोड़ा सा शौक हो रहा था कि बंदा इसका ये जो टर्बो है ना ये पासो में लगा ले। अच्छा, पासो में यार जी सेम इंजन है, सेम चीज है, कोई वो नहीं है एक्स्ट्रा, सही है, लेकिन पासो में कम नहीं फिटेड टर्बो नहीं होगा, आएगा वो फिट होगा तो नेक्स्ट लेवल होगा जी जी। एग्जैक्टली, पासो हो गई है, विट्स हो गई है, 1000 सीसी जितनी गाड़ियां, यारिस हो गई है। अच्छा, यारिस में भी वही सेम इंजन है? सेम इंजन है। अच्छा, 1KR जी जी, 1KR 3 सिलेंडर, ठीक है। और फैसल भाई इसकी एक्सपीरियंस? ये एक वेंचर करेंगे जी जी, पासो में इसका टर्बो बंदा इंस्टॉल कर लेना, सही है, तो किस तरह होगी, बहुत पावरफुल होगी। एग्जैक्टली, यहीं पे आज एंड कर देते हैं। तो फैसल भाई एक वो है कि अगर आप इसकी एक्सपीरियंस आप शेयर करें लोगों के साथ। 1000 सीसी कैटेगरी में ये ड्राइव एक्सपीरियंस 1000 सीसी कैटेगरी में इसका बहुत अच्छा है, ये टॉप ऑफ द उसमें आती है। उसके बाद फिर यारिस आप रिकमेंड करेंगे, पासो। यारिस तो इसके मुकाबले में बहुत अंडर पावरफुल है। सही है, और वो भी अगर अच्छी गाड़ी आप लेंगे वो 6 मिलियन बजट में जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन यारिस एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। एसयूवी में आ रही है लेकिन 1000 सीसी कैटेगरी में आ रही है। यारिस तो बहुत छोटी सी गाड़ी है, 660 के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये थी टोयोटा रेस कंप्लीट ड्राइविंग एक्सपीरियंस वॉक अराउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अच्छी डील बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।